Hello and welcome everyone to the second video of the Organic Chemistry series. So today we'll discuss about more functional groups present in the world of organic chemistry. So let us start with amines today. So what are amines? These are compounds that contains nitrogenous groups in them, okay? And these can be classified into three more subgroups, respectively into 1 degree amine. This means this one group, one alkyl group is connected to this NH2, okay, nitrogen and two hydrogens. 2 degree amine are connected to this R1, one alkyl group, another R2, and with this N, we have another hydrogen over here, only one hydrogen is present here. And in 3 degree amine, this R1 is there, R2 is there, and R3 is there. There are three alkyl groups present over here and no hydrogen is present over here. So these are three types of amines present. So amines can be a little confusing sometimes. So let us discuss a few questions about their classification. Guys and girls, the complete physics, chemistry, mathematics mock test for WBG 2022 aspirants are starting from 15 January. This has been brought to you by Akash Time Education and Dream Academia. And here we will be conducting the test in very depth so that you can get a grasp of the concept. And so I request you to enroll in this test series ASAP. The link is given in the description box so that you can get 30% discount. And also you will be winning exciting prizes by coming in the top 3 in this test. तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि ये चार कंपाउंड को 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस में हमें क्लासिफाई करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो ये वाला क्वेश्चन इनिशियली थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि ये कार्बन जो है, ठीक है, ये कार्बन है असल में 2 डिग्री कार्बन। और इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि बहुत लोग ये इसको 2 डिग्री देख के भी आंसर भी 2 डिग्री मार्क कर देंगे, जो बिल्कुल गलत है। ये पार्ट है हमारा मेन आर है, ठीक है, और ये हमारा है 1 डिग्री अमाइन, यही आर है। और हमें जब ये क्लासिफाई करेंगे तो देखना है कि NH2 के साथ कौन सा अटैच्ड है, मतलब NH है तो वहाँ पे होगा 2 डिग्री, NH2 है तो 1 डिग्री, NH अगर बस N हुआ तो 3 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा ये वाला कार्बन है 2 डिग्री, लेकिन ओवरऑल अमाइन है कितना, 1 डिग्री। तो इसका आंसर हमारा होगा 1 डिग्री, ओके। तो ये आप याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सिमिलरली इसमें अगर देखेंगे तो यही हमारा आर है, सो कार्बन भी 1 डिग्री होगा यहाँ पे, ओके, और अमाइन भी ओवरऑल 1 डिग्री होगा। यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये यहाँ पे तीनों आर कनेक्टेड है एक साथ। तो यहाँ पे ये वाला कार्बन होगा 3 डिग्री, ये वाला 2 डिग्री, ये वाला 2 डिग्री, ये तीनों ही 1 डिग्री कार्बन होगा और ये भी 1 डिग्री होगा, लेकिन नेट अमाइन होगा हमारा 3 डिग्री, क्योंकि तीन हमारे पास कनेक्टेड है टोटल। तो कार्बन हमारे पास 1 डिग्री भी होगा, 2 डिग्री भी मिलेगा, 3 डिग्री भी मिलेगा, सब मिलेगा। और लेकिन ओवरऑल अमाइन कितना होगा यहाँ पे, 3 डिग्री यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 1 डिग्री दोनों है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है 2 डिग्री, तो यहाँ पे कार्बन मिलेगा 1 डिग्री और अमाइन मिलेगा 2 डिग्री। तो ये आप थोड़ा नोट कर लीजिए जो भी कर सकते हैं, और आंसर्स ये है हमारे पास। सो अगर आपका मैच हो गया तो बहुत शाबाश, और नहीं हुआ कोई बात नहीं, आप रिवाइज कर ले सकते हैं यहाँ से। तो आगे बढ़ते इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, कि इस क्वेश्चन में दिया है नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। सो आप पहले 2 मिनट का एक पॉज ले लीजिए और खुद सोचिए कि क्या हो सकता है, तो फिर हम डिस्कस करेंगे ये, ओके। तो वापस आते हैं यहाँ पे। तो पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं एक एल्किन ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इन। एक एस्टर लिंकेज भी प्रेजेंट है यहाँ पे, तो एस्टर है यहाँ पे, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके साथ अगर देखेंगे तो एक 1 डिग्री अल्कोहल भी प्रेजेंट है हमारे पास। सो 1 डिग्री अल्कोहल भी है हमारे पास, तो टोटल कितने हुए, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। अगर आप अगर इस रिंग को यहाँ पे हटाएंगे ना, तो एक बहुत अच्छा एक बात होगा यहाँ पे, कि
कि शायद आपको पता होगा, या मैं इसके बाद वाले लेक्चर में ही बताऊंगा आप लोगों को कि इसमें होता क्या है कि असल में यहाँ पे भी एक बॉन्ड होता है एक, ठीक है, इसको हम इसको भी एक डबल बॉन्ड होता है यहाँ पे। तो इसको हम थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ ये क्या हो है। तो ये भी एक बॉन्ड, ये तीनों बॉन्ड है असल में। तो इसके इस डबल डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है ये सिंगल बॉन्ड के साथ। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी ये प्रेजेंट है ये सिंगल बॉन्ड के साथ, जो ये पिंक में दिया हुआ है, इस रेड इंक में, ठीक है। तो इसको हम काउंट नहीं कर रहे इस केस में। तो टोटल आंसर होगा यहाँ पे 4, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए अच्छे से और प्रैक्टिस इसको ज़रूर कीजिएगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो ये चार्ट का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अभी मैं ये एक्सप्लेन करूँगा आपको कि फंक्शनल ग्रुप्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक छोटा सा सिनॉप्सिस हम जो अभी तक करके आए हैं। तो एल्केन आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कि ये था एल्केन, ठीक है। यह एल्किन, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। एल्काइन, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। ऐसे ही ये वाले सब आप नोट कर लीजिए, ये ऐसे ही मतलब सब फॉर्मेशन है एक एक का। ये एक एल्कीन से ही बना है, ठीक है। ये इसको एरीन कहते हैं। ये पूरा एक साइक्लिक ऑर्डर में रहता है और यहाँ पे इसका डबल बॉन्ड्स ऐसे ऐसे मतलब अरेंज रहते हैं। ये हम करेंगे, ठीक है, जब हम थोड़ा जीओसी में घुसेंगे, तब हम जब रेजोनेंस पढ़ेंगे तो ये स्पेशली टॉपिक हम देखेंगे। और इसको हम हेलो एल्केन कहते हैं। इसको ये है एक्स, हमारा एक्स क्या है, होता है Cl Br I, ठीक है। ये तीनों हमारे, और F, ये चार हमारे हेलोजेंस है, ठीक है। ग्रुप 17 एलिमेंट्स आप इनऑर्गेनिक में कर चुके हैं। ये वाले होते हैं हमारे, ये चार मेन एक्स, ठीक है। तो ये वाले जब ऐसे अटैच होते हैं तो हम इसको हेलो एल्केन कहते हैं। हम ये सब फंक्शनल ग्रुप्स देखेंगे, मतलब जब हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। एल्कोहल में ROH होता है, एक एल्काइल ग्रुप के साथ OH होता है। एल्डिहाइड में होता है RCHO, C डबल बॉन्ड और रहता है यहाँ पे। आप हम कर ही चुके हैं ये सब, कीटोन अभी कराया है आपको, ये आप याद रखिएगा, R1 R2 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और ये हाइड्रोजन और ये R2 को आप ज़रूर ख्याल रखिएगा, ये अलग चीज़ होते हैं, ठीक है। आर का मैं बोल देता हूँ, एल्काइल ग्रुप मतलब ये शुरू होता है CH3 से और ये चलता रहता है, ठीक है। ये सीरीज चलता रहता है ऐसे ही CnH2n+1 तक, ऐसे ही, ओके। और ये H नहीं होता है ये पर C, हम यहाँ पे 2n+1 कभी जीरो नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि n नेगेटिव आ जाएगा। तो ये भी आप कॉन्वर्स से लॉजिक लगा सकते हैं कि R कभी H नहीं हो सकता। और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपको पता है। एसिड एनहाइड्रेट हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में ज़रूर, ठीक है। ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन से फॉर्म होता है, ये सब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे। ऐसा है, और ये सब आप थोड़ा देख लीजिए। एसाइल हलाइट क्या होता है, RCOX होता है, यहाँ पे क्या होता है RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे X जो मैंने बताया है यही है, ऐसे अटैच रहता है। ईथर ऐसा रहता है। इपॉक्साइड, हम इपॉक्साइड को हम डायरेक्टली क्लासिफाई कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ठीक है। ये इसका प्रॉपर्टी थोड़ा ईथर जैसा ही होता है, लेकिन आप थोड़ा ये देख सकते हैं, ये इन ऑक्साइड होता है और हम ईथर्स पढ़ ही चुके हैं। तो हम ऐसे, ये साइक्लिक किस्म का होता है, ये ऐसे अटैच रहता है। और एमाइंस ऐसे हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अमाइड, ये नाइट्रेट, नाइट्रिट, नाइट्राइल, नाइट्रो, ये हम आने वाले लेक्चर्स में ये देखेंगे सब, जब हम एमाइन कंपाउंड्स, हम नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में हम जाएंगे, तो ये इन चारों ग्रुप्स में हम ज़रूर आएंगे, ठीक है। और ये नाइट्रोसो, इमीन, इमाइड आप हम डिस्कस करेंगे ये जब हम नाइट्रोजनस कंपाउंड में आएंगे। और ये सब आप देखेंगे यहाँ पे RCA RSH, ठीक है। ये होता है थायल। RSH और ROH में सिमिलर सा बात क्या है कि S यहाँ पे है और ऑक्सीजन यहाँ पे है, ये दोनों ही ग्रुप 16 एलिमेंट्स है, ठीक है। और ग्रुप 16 एलिमेंट्स मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, टेलूरियम एंड ये सब चलता है, OSTE से नीचे जाता है ये सब। तो आप ये दोनों आप देख सकते हैं, ये दोनों सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं, लेकिन सल्फर और ऑक्सीजन थोड़ा वो साइज के कारण डिफर करता है उन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स। सो नेट कैरेक्टरिस्टिक उन लोगों का चेंज हो जाता है, ठीक है, लेकिन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा आसपास ही रहता है इन लोगों का।
और यहाँ ये इसको हम सल्फाइड कहते हैं, ये एस्टर ये ईथर जैसा ही होता है, यहाँ पे एस था और यहाँ पे ईथर में ओ रहता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ठीक है। और डाइसल्फाइड होता है यहाँ पे, ये दोनों सल्फर रहते हैं यहाँ पे, सल्फोक्साइड, सल्फोन, सल्फिनिक एसिड। ये सल्फिनिक एसिड जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा ही है, अब देख देखे ये वाला डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे कार्बन की जगह एस आता है। सल्फोनिक एसिड भी यहाँ पे एस डबल, ये टोटल वैलेंसी है सल्फर का ठीक है, मतलब टोटल 6। तो ये सल्फोनिक एसिड, ये सल्फोनेट एस्टर, ये थायोसायनेट ठीक है, आर एस सी डबल ट्रिपल बॉन्ड एन, आइसोथायोसायनेट थायल ठीक है। ये थायल और कीटोन का प्रॉपर्टी सेम होता है, मतलब स्ट्रक्चर सेम है यहाँ पे, एस और ओ है यहाँ पे, और थायोकीटोन ठीक है, ये हमारा थायोकीटोन और सॉरी थायल और एल्डिहाइड का सेम होता है, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, और थायोकीटोन और असली हमारा जो एस के जगह ऑक्सीजन रहता है वो उसका प्रॉपर्टी सेम रहता है। और ये है फॉस्फीन ठीक है, ये फॉस्फीन एक मज़ेदार कंपाउंड है, ये गैस कंपाउंड है, और फॉस्फर का यहाँ पे तीनों ऐसे ग्रुप्स अटैच रहता है यहाँ पे ठीक है, और ऊपर एक लोन पे रहता है, ये हम हाइब्रिडाइजेशन में भी देखेंगे ये कि हम ये इसका स्ट्रक्चर्स को हम कैसे ये हम क्लासिफाई करेंगे ठीक है। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं और थोड़ा क्वेश्चंस यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं कि ये टोटल होता क्या है। ओके, इस वाला क्वेश्चन, इस वाला पार्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। ये वर्ड सुन के आपको लगेगा कि हाँ कुछ मिक्सचर, हाइब्रिड वर्ड सुन के आपको लगेगा कि कुछ आके मिक्स हो रहा है, कुछ यूनिक सा बना रहा है, हाँ वैसे ही है ये चीज़ टोटल। तो हम थोड़ा देख लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, इसके लिए थोड़ा नॉलेज चाहिए होगा आपका ऑर्बिटल्स का जो आप पढ़ चुके हैं इनऑर्गेनिक में ठीक है। तो इसमें क्या देखेंगे हम, पहले चलो हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देख लेते हैं। तो क्या होता है, 1s2 2s2 2p2 ठीक है, इसमें ऐसा दिखता है, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन एक 1s पे एक 2s में, और ये तीन वाला ऑर्बिटल है p, आपको पता है ये px, ये py, ये pz है, और यहाँ पे दो ऐसे फॉर्म होगा, ये दो है ठीक है, ये हमारा है ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। हम जैसे इसको थोड़ा एक्साइट करेंगे, एक्साइट मतलब थोड़ा एनर्जी पास करेंगे, क्या होगा ऐसे ही 1s तो ऐसे ही रहेगा, 2s से एक इलेक्ट्रॉन आके इस वाले एम्प्टी में भर जाएगा आके ठीक है, ऐसे भर जाएगा, ये होगा एक्साइटेड स्टेट हमारा। लेकिन ये हमेशा नहीं होता, ये एक हाइपोथेटिकल केस है जब हम कंपाउंड्स बना रहे हैं जैसे CH4 या फिर जैसे हम कुछ, ये मतलब हम इसको, तो यहाँ पे है, यहाँ पे आ जाता है s में एक, यहाँ पे 2s में 1s में तो दो ही है, और 2p में तीन ही है ठीक है। तो ये चारों अब मिलके चार ऑर्बिटल का, मतलब चार ऑर्बिटल यहाँ पे अब फॉर्म होगा, और एक एक ऑर्बिटल को हम sp3 का नाम देंगे ठीक है। तो ये थोड़ा मैं क्लियर कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए ये चीज़, तो चलते हैं। अब मैं जो बोल रहा था, ये 2s वाला और ये 2p वाला मिलके चार ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा, और ये ऐसे दिखता है ठीक है, ये तीनों बड़े बड़े लोब्स है और एक एक है। इसका मैं अगर एक अच्छा सा एक विजुअलाइजेशन अगर बनाऊं तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं, आप एक टेट्राहेड्रन का शेप देखे ही होंगे, तो एक बड़ा लोब ऐसा आएगा, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे, तो ऐसा एक फॉर्म होगा एक टेट्राहेड्रन ठीक है। टेट्राहेड्रन मतलब ये शेप, मतलब क्या होगा, मतलब एक ट्रायंगल है ठीक है, और चारों ट्रायंगल है यहाँ पे, और चार ट्रायंगुलर साइड से, बस ये चार ट्रायंगुलर साइड मिलके एक सॉलिड का फॉर्मेशन करेगा, तो यही है हमारा ये टेट्राहेड्रन का फॉर्मेशन करेगा ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि ये यहाँ पे एक चारों sp3 का फॉर्मेशन ऐसे होगा, ये देखो ये वाला होगा sp3, ये वाला sp3, ये वाला sp3 और ये वाला sp3 होगा यहाँ पे ठीक है। जब अब क्या होगा, कार्बन का ऑर्बिटल्स तो अब मॉडिफाई हो चुका है बीच में, ये कार्बन का न्यूक्लियस है, तो अब क्या होगा हाइड्रोजन का, और यहाँ पे ऐसे ऐसे सब चारों इलेक्ट्रॉन है जैसे कि हमें पता चला था उसमें, ऐसे कि ये जब चारों फ्यूज हुए थे, ऐसे ये चारों जब फ्यूज हुए थे तो
ये बन गया था और ये चारों इलेक्ट्रॉन्स ऐसे एक एक में अलॉट हो गया था। अब क्या होगा, हाइड्रोजन नज़दीक आएगा। हाइड्रोजन में क्या है, 1s1 एच एटम में, ठीक है, और ये वाला आएगा लेकिन ये ऑपोजिट स्पिन वाला इसके पास, तभी तो फॉर्मेशन होगा ना। यहाँ पे एक ऑपोजिट था तभी तो ये स्टेबलाइज हुआ था, ठीक है, अभी भी एक ऑपोजिट यहाँ पे आएगा ऐसे, आप समझे ना ये क्या बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे ये टोटल एनर्जी को घटाने के लिए ये ऑपोजिट स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन्स का आना बहुत ज़रूरी है, तो ये वाला ऐसे ऐसे आएगा सब, और ये वाला होगा 1s 1s और 1s, और ये चारों मिल और ये ऐसे ये नज़दीक आएंगे ये, और ये ऐसे बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, ऐसे यहाँ पे आपका ये स्पिन टोटल न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है, और ऐसे ये बॉन्ड बन जाएगा sp3s sp3s, ऐसे करके ये चारों sp3s बॉन्ड्स बनाएंगे। यही हमारा बेसिक मीथेन का फॉर्मेशन। ये मीथेन में ही नहीं, ये बहुत सारे कंपाउंड्स में ही होता है, जैसे कि इथेन पकड़ लेते हैं तो ये सॉरी प्रोपेन पकड़ लेते हैं तो इसमें क्या होता है, दो हाइड्रोजन बस मिलता है और यहाँ पे कार्बन मिलता है यहाँ पे, और कार्बन का यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और उस साइड में भी सेम है वैसे। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो एक साइड से कार्बन से लगा हुआ है और इसका क्या होगा, कार्बन का इस वाला तो sp3 है, तो 3 sp3s बॉन्ड मिलेगा जो ये हाइड्रोजन के साथ आएगा, और एक होगा इसका sp3 sp3 जो एक दूसरा ऐसा sp3। एक सेकंड ये क्लियर कर लेते हैं फिर आपको समझ में आएगा। जैसे कि इस वाला कंपाउंड में क्या होगा, इस वाला कार्बन में ऐसा तो sp3 होगा ही, ठीक है, और दूसरे वाला में क्या होगा, इस वाला कार्बन का ये sp3 का एक लो मिल इसके साथ आ जाएगा, और यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन ऐसे आएगा, और इसका और एक sp3 ऐसे आ जाएगा इसके साथ, और ये भी हाइड्रोजन के साथ ऐसा रहेगा, ठीक है, और यहाँ का तो दो हाइड्रोजन तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे, तो एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, तो एक क्या होगा इस मॉलिक्यूल में टोटल, मतलब ये एक होगा sp3s बॉन्ड, दूसरा sp3s बॉन्ड, तो 2 sp3 sp3, ठीक है, और यहाँ पे तो 3 sp3s बॉन्ड्स है, यहाँ पे भी 3 sp3 बॉन्ड्स है, और यहाँ पे भी 2 sp3 बॉन्ड्स है sp3s, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे होगा 8 sp3s बॉन्ड्स, ओके। तो यही है हमारा बेसिक कंसेप्ट, आप नोट कर लीजिएगा, ये और क्लियर हो जाएगा जब मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है, तो क्वेश्चंस करते वक्त हम इसका शॉर्टकट देखें। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ sp3s बॉन्ड्स एंड sp3 बॉन्ड इन ब्यूटेन। तो ब्यूटेन हमारा दिखता है ऐसा है, तो अब हम क्या करेंगे, एक शॉर्टकट देखेंगे जहाँ से हम sp3 और मतलब जो जैसे कि sp3 टोटल है, मतलब sp3 है या नहीं ये हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। sp3 का क्या है, टोटल यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो 3 + 1 4 है यहाँ पे, और 4 बॉन्ड भी होना चाहिए इसके पास, ठीक है, इसका टोटल समेशन टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी है जो फॉर्म हो रहा है लास्ट में, मतलब जो लास्ट में कंपाउंड में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चारों बॉन्ड्स है टोटल, ये एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये टोटल है 4 बॉन्ड्स। वैसे यहाँ पे होगा 4 बॉन्ड्स, वैसे यहाँ पे होगा 4 बॉन्ड्स, और ऐसे यहाँ पे होगा 3 बॉन्ड्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 sp3s बॉन्ड होगा यहाँ पे, और टोटल sp3s बॉन्ड्स होगा 1, एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, ठीक है, तो टोटल होगा 3 sp3 sp3 बॉन्डिंग, ओके। तो हम थोड़ा इसका एक तो हम इसका क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब हम थोड़ा इसके ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर डिस्कस करके आज का सेशन क्लोज करेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट दिन से हम sp2 और sp बॉन्ड्स भी देखेंगे, ओके। तो इस वाले में हम देखेंगे sp3 का ज्योमेट्री, जैसे बताया था 1s और 3p मिलके पहले ये फॉर्म होता है, ठीक है, 4sp3, और यहाँ पे ऐसे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनता है, ठीक है, जहाँ पे इन दोनों एंगल का बीच में जो होता है, ठीक है, उसको हम 109.5 डिग्री का टोटल एंगल होता है ये, और ये टोटल एक टेट्राहेड्रन शेप में आता है ये, जैसे कि आप देख सकते हैं ये टेट्राहेड्रन शेप में आता है और इसको हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं। ये इसको हम बोलते हैं स्मॉलर लोब्स, और ये हमारा लार्जर लोब्स,
हालांकि हम जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको डायरेक्टली बस डायरेक्ट लोब से रिप्रेजेंट करते हैं ये, ठीक। आप स्पॉन्डल लोब्स नहीं भी दिखाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस आपका सवाल एकदम झट से बनना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम नेक्स्ट दिन हम डिस्कस करेंगे SP2 और SP और बाइटल्स के बारे में। और हमें इस नेक्स्ट दिन का सेशन शुरू होने से पहले मैं थोड़ा क्वेश्चंस आपको दिखा दूंगा कि WBJ में कैसे पूछा जाता है, ठीक है। सो थैंक यू, और अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, थैंक यू, और शेयर कीजिएगा, एंड एन एडवांस हैप्पी न्यू ईयर, ओके।